दोस्तों अभी अभी MLM इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर आ रही है जो बहुत ही चौंकाने वाली है। मतलब आप अगर ये खबर सुनेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि यार ये मतलब क्या हो रहा है, क्या MLM की जो गिनती है वो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है या MLM के खराब दिन आ चुके हैं। दोस्तों आज तक जो लीडर्स आपको मोटिवेशन के नशे में रखकर आपको मोटिवेट करके खुद पैसे कमाते रहते थे, आज उन्हीं की वो सबसे बड़ी कंपनी या उनका जो ओनर है जो मतलब उनको रोक के रखता था उन बड़े बड़े लीडर्स को, आज वो कंपनी और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोस्तों इसी कड़ी में एक नाम आता है ईस्टोर इंडिया, जो कि कंपनी अभी कुछ टाइम पहले खुली है और ये दावा करती है कि हम इंडिया की MLM जो इंडस्ट्री है उसको पूरा बदल के रख देंगे। लेकिन दोस्तों ईडी ने उन पे अपना डंडा चलाने की प्रक्रिया को शुरू करने का मन बना लिया है। नहीं यकीन आता तो अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, जरूर आपको यकीन आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल SH मित्तल ब्लेस्ड पर, जहाँ पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट इस वीडियो पर और आगे देखते हैं। तो दोस्तों अभी आप आ गए हो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं अपने मोबाइल से आपको फेसबुक में ले जाता हूँ। दोस्तों फेसबुक में हम जैसे ही गए तो मैं अपनी प्रोफाइल में गया, क्योंकि मेरी प्रोफाइल में मैंने एक वीडियो शेयर करी थी जिसपे कि आज कमेंटबाजी हुई ईस्टोर इंडिया को लेके मेरी और एक और थोड़े ज्ञान देवता की, तो मैं उन ज्ञान देवता की जो चर्चा है वो मेरे साथ आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं अपनी प्रोफाइल में जा रहा हूँ और मेरी प्रोफाइल में मैं सबसे पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ जो कि मैंने आज शेयर करी थी ईस्टोर इंडिया को लेकर, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो हम इस वीडियो पर चलते हैं। सेलिंग के नियमों के उल्लंघन में फंसी ईस्टोर इंडिया कंपनी पर गिरेगी नए नियमों का पालन न करने की गाज, 90 दिनों की समय सीमा बीतते ही सख्त कदम उठाएगी ईडी। तो दोस्तों ये आपने वीडियो देखी कि 90 दिनों का कार्यक्रम पूरा होते ही ईडी सख्त कदम उठाएगी और ईडी ने उन नए नियमों का पालन नहीं किया है जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो दोस्तों अभी इस वीडियो पे क्या कमेंट हुए वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चला गया और मैं इसमें आपको सारे कमेंट दिखाता हूँ। मतलब ये एक सिंगल बंदे हैं जिन्होंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करने में इंटरेस्ट लिया था और क्या क्या कमेंट हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये भाई साहब मुझे कहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद कि भाई साहब कुछ नहीं हुआ है, और रही बात इस वीडियो की तो ईस्टोर इंडिया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है, पहले पूरी जानकारी ले लो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा अच्छा ईस्टोर इंडिया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है भाई, तो वो आपकी खरीदारी पे मुझे पैसा क्यों दे रही है अगर मैं आपकी टीम में हूँ भाई? क्या मैंने सही पूछा ना? उसके बाद मैंने इनको लिखा और अगर आपको जानकारी देनी है ठीक है तो स्वागत है, यही जानकारी दे दो आप, मैं भी जानूँ भाई जरा आपकी जानकारी। इसके बाद ये महाशय लिखते हैं कि इसको समझना पड़ेगा, ऐसे मैसेज में आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने बोला समझ आ जाएगा भाई, समझाने वाला होना चाहिए, है ना? और मैंने बोला अपनी कंपनी के फैक्ट्स आपको यहाँ लिखने में क्या दिक्कत आ रही है, प्रूफ करो अब कि ईस्टोर इंडिया MLM कंपनी नहीं है, क्योंकि जो यहाँ न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ दी गई है वो तो अभी छोड़ ही दीजिए, अभी तो आप अपनी बात प्रूफ करो कि ईस्टोर इंडिया MLM कंपनी कैसे नहीं है। तो दोस्तों ये बोल के भी आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और देखो ये बंदा मैसेज में समझाना नहीं चाहता, ये चाहता है कि मैं इससे फ़ोन पर बात करूं, क्योंकि फ़ोन पर क्या होता है ये लोग फिर अपनी ज्ञानबाजी करते हैं, आपकी सुनना ही पसंद नहीं करते कुछ, ये अपने मोटिवेशन की बातों में लोगों को फंसाने की सोचते हैं, फैक्ट्स पे बात ही नहीं करते ये, है ना? तो ये इसने मुझे यहाँ पे लिखा हुआ था कि इसको समझना पड़ेगा, ऐसे मैसेज में आपको समझ नहीं आएगा। तो मैंने लिखा भाई यही समझा, क्योंकि जनता के सामने जो बात हो वो ज़्यादा अच्छी रहती है, है ना? फ़ोन पर तो ये क्या बात करेगा, फिर आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं मैंने क्या बता दी। तो ये मैं इसलिए चाह रहा था कि ये सामने ही बात करे। उसके बाद ये लिखता है बंदा, क्या बात है किसी MLM कंपनी में मल्टी ब्रांड के मार्केट प्रोडक्ट्स मिलते हैं ये बताइए, डायरेक्ट सेलिंग में सेल्फ मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट होते हैं और कुछ फर्जी लोगों ने इसको गलत डायरेक्शन दे दिए हैं। भाई अगर वो फर्जी लोग आपकी कंपनी के हैं तो आपकी कंपनी उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? और वो कौन लोग हैं जो आपकी कंपनी को MLM बोल रहे हैं? और अगर आपकी कंपनी MLM नहीं है तो आपकी कंपनी उन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? आपकी कंपनी को भी तो मजा आता है ना कि MLM के नाम पर लोग आपके पास आ रहे हैं और आप फिर वहाँ से पैसा खा रहे हो। तो आप ये देखो, मैंने इनसे आगे फिर सेम वही क्वेश्चन पूछा कि अच्छा मतलब आप कह रहे हो कि ई स्टोर इंडिया MLM कंपनी नहीं है, राइट ना? मैंने ये लिखा है। तो ये बंदा बोलता है बिल्कुल नहीं है सर। तो मैंने इससे बोला चलो ठीक है, अब मैं आपकी ये बात ई स्टोर वालों से क्रॉस वेरीफाई करके आपसे कॉन्टेक्ट जरूर करूँगा, क्योंकि ई स्टोर को तो सब लोग MLM कंपनी ही बोल रहे हैं, यहाँ तक कि ई स्टोर के मालिक भी। दोस्तों अगर किसी को भी ये शक है ना मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं ई स्टोर के जो मालिक है ना उनका भी ये बोलते हुए कि ई स्टोर इंडिया MLM कंपनी है, और जो ई स्टोर इंडिया के खुद को बड़े बड़े लीडर समझते हैं जो भले ही हो ना, वो भी ये बोलते हैं कि ई स्टोर इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, MLM कंपनी है। तो भाई साहब आप लोग कहीं तो कुछ बोल रहे हो,
कहीं आपके डिस्ट्रीब्यूटर कुछ और बोल रहे हैं, या तो आप लोग एक बार पहले बैठ के डिसाइड कर लो। इसके बाद ये बंदा बोलता है ठाकुर शैलेश सिंह कि अगर किसी कंपनी के सीएमडी ने एक नई और यूनिक चीज ला दी मार्केट में तो लोगों को दिक्कत होने लगी है क्योंकि लोगों के प्रॉफिट का पर्दाफाश हो रहा है। तो भाई साहब मैंने लिखा हंसते हुए, मैंने कहा कितनी यूनिक और सही चीज़ है वो पता है भाई सबको। तो इस बंदे ने मुझे अपना नंबर दिया, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने कुछ नंबर इनके हाइड किए हुए हैं क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इनका नंबर यहाँ पे दूंगा तो काफ़ी लोग फिर इनको कॉल करेंगे। तो इन्होंने मुझे क्लियर लिखा कि कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों मैंने इनको बोला कि आपके लीडर फिर क्यों कह रहे हैं कि MLM कॉन्सेप्ट है, इस बात का मुझे आंसर चाहिए ईस्टोर वालों से भी और ठाकुर शैलेश भाई से भी, है ना। और अगर MLM कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपकी कंपनी मल्टी लेयर पे पैसा क्यों बांट रही है। भाई आप मुझे ये बताओ, आप ये कह रहे हो कि आपकी कंपनी MLM कंपनी नहीं है, ठीक है मान लिया, तो आपकी कंपनी आपके जो नीचे के लोग खरीदारी करते हैं उन पे आपको पैसा क्यों दे रही है जब वो MLM कॉन्सेप्ट ही नहीं है। MLM का तो कॉन्सेप्ट यही है ना, और MLM का कॉन्सेप्ट ये भी है कि अपने प्रोडक्ट होने चाहिए। तो अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट नहीं है तो आप MLM का नाम लेके बेच कैसे रहे हो। ये बंदा पता नहीं इस बात के जवाब में क्या लिखता है कि जिसको पता है तो इसी को कर रहा है डियर, ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता है बंदा क्या समझाना चाह रहा है। उसके बाद मैंने इनको लिखा भाई फ़ोन पे कोई बात नहीं करनी, यहीं जनता के सामने बात करेंगे दोनों। तो ये बंदा कह रहा है कि सबसे सस्ता सामान मिल रहा है यहाँ पे। मैंने लिखा सबसे सस्ता कैसे कह रहे हो, आपके मार्केट ब्रांड के प्रोडक्ट्स पे जो MRP है ना जो पड़ी हुई है वो मार्केट वाली MRP तो है ही नहीं। आप दोस्तों इनके ये मैक्सिमम प्रोडक्ट में जाके देख लेना, इनके जो प्रोडक्ट में MRP है ना वो मार्केट वाली नहीं है, इनकी अपनी MRP है। सेम यही जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टीज के बेस्ट डील में है, प्रोडक्ट तो वही है मार्केट ब्रांड के लेकिन MRP अपनी वाली है। फिर वो फ़ायदा दिखा दिखा के और आपको जो ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब रेफर एंड अर्न वाला वो वाला कॉन्सेप्ट दिखा के, है तो MLM वाला कॉन्सेप्ट ही, वो दिखा के फिर आपको फंसाते हैं जाल में। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि आप सुनी सुनाई बातों को देख रहे हो, पार्ले जी को 5 से ज़्यादा प्राइस में नहीं बेच सकते हैं, ये तो पता है ना, मदर अमूल का दूध 29 से ज़्यादा प्राइस में नहीं बेच सकते हैं, ये तो अच्छी तरह पता होगा आपको। ठाकुर शैलेश भाई 2-3 प्रोडक्ट के नाम मत बताओ, मैं मैक्सिमम प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। जो तुम ये छोटे मोटे चटर पटर प्रोडक्ट के नाम ले रहे हो ना 5 रुपये 30 रुपये, मैं उन प्रोडक्ट्स की बात भी कर रहा हूँ कि आप 5 किलो 10 किलो 20 किलो वाले बेच रहे हो, उसमें आपने लोगों का क्या हाल कर रखा है मुझे पता है, MRP क्या दे रहे हो, मुंह मत खुलवाओ हमारा वरना आपका है ना चीर फाड़ हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको भी पता है, खुद के अंदर झांक के देख लो कि आपकी कंपनी कितना बढ़िया काम कर रही है, आपको भी पता है। तो ये बंदा उस कमेंट के बाद लिख रहा है तो अपना प्राइस कैसे लगाए ये बताइए। भाई वो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फोटो लेके भी शेयर करूंगा आपके जो ब्रांड के प्रोडक्ट हैं उनके, वो आपको तब समझ में आ जाएगा क्योंकि आप लोग ऐसे मानने वाले नहीं हो। आप MLM वालों ने इतनी दुर्गंध मचा रखी है कि आप लोग ऐसे प्यार से मानने वाले ही नहीं हो। उसके बाद मैंने इनको लिखा कि ठीक है आपके प्रोडक्ट के प्राइस आपके ई स्टोर से उठा के ही पिक भेजूंगा, फिर बताना, सुनी सुनाई नहीं देखी दिखाई बातों पर भरोसा कर रहा हूँ भाई। इसके बाद इन्होंने लिखा सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आप हमेशा ही MLM के सपोर्ट में बात करते हैं, और रही बात ईस्ट और इंडिया की तो हमने भी पहले पूरी जानकारी लेने के बाद ही इसको स्टार्ट किया था 11 महीने पहले। भाई बिल्कुल आपने शुरू किया होगा 11 महीने पहले, पूरी जानकारी ली होगी, मुझे नहीं पता। देखो आपके लिए पूरी जानकारी का मतलब क्या है, हो सकता है जो आपके लिए पूरी जानकारी का मतलब हो मेरे लिए वो 1% हो, दूसरे के लिए 50% हो, कुछ भी हो सकता है। तो भाई आपने जो जानकारी ली अच्छी है और भाई आप रिस्पेक्ट करते हो ठाकुर भाई, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, लेकिन मैं MLM के सपोर्ट में हमेशा बात करता हूँ, और MLM भी नहीं मैं लोगों के सपोर्ट में बात करता हूँ क्योंकि MLM कोई मेरे घर की नहीं है, है ना, ना तो जो वेस्टीज के ओनर है वो मुझे कुछ पैसा दे रहा है अगर मैं उसके फेवर में बोलूँगा डिसफेवर में बोलूँगा, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे लोगों के फेवर में बोलना है और मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है। तो ठाकुर जी ने नीचे और बात लिखी है कि तो सर आप कुछ हमें बताएंगे तो नॉलेज बढ़ेगी हमारी, लेकिन जानकारी सही होनी चाहिए। मैंने उसके बाद लिखा ना ना भाई, मैं MLM की नहीं, मैं उचित बात और चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ, जो चीज़ लोगों को नुकसान पहुँचाती है उसके तो सख्त खिलाफ हूँ भाई मैं, और मैं आपकी MLM इंडस्ट्री की ज़्यादातर कंपनियों के खिलाफ, जो आप समझते हो ना कि मैं खिलाफ हूँ, वो इसलिए हूँ क्योंकि आप लोग लोगों को ये बोल के लाते हो कि भाई साहब बस यहीं पे बचा है सब और बाकी सब जगह कुछ नहीं है, जॉब में कुछ नहीं रखा, अपना बिजनेस करोगे बर्बाद हो जाओगे, और कहीं पर कुछ नहीं रखा, MLM में आओ। लेकिन आप लोग उसके सपनों को दोबारा जिंदा करते हो और दोबारा उसके सपनों का बेरहमी से कत्ल करते हो, और इतनी बेरहमी से करते हो कि वो बेचारा फिर कुछ और करने के ज़्यादा लायक भी नहीं रहता। इसके बाद ये भाई साहब बोलते हैं कुछ चीज़ें जो डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से नहीं था अब बिल्कुल उसको अपडेट कर दिया गया है। मैंने बोला क्या अपडेट कर दिया गया भाई, न्यू रूल्स कह रहे हैं आप मल्टी लेयर पे पैसा नहीं बांट सकते हो और ईस्ट और इंडिया फिर भी बांट रही है। उसके बाद मैंने इनको कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए और दोस्तों मैं आपको स्क्रीनशॉट
पढ़ के पहले सुनाऊंगा, उसके बाद आपको सारी कहानियां समझ में आ जाएगी। मैंने नीचे आपको देखो एक कमेंट और पढ़वा देता हूँ, मैंने लिखा इन बातों का रिप्लाई ले लो मेल पे आप ईस्टोर इंडिया से, बस इसी में आंखें खुल जाएंगी। अब ये बातें क्या हैं वो मैं आपको पढ़वाता हूँ। देखो पहला स्क्रीनशॉट मैंने खोल लिया, पहले स्क्रीनशॉट में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि भाई हमें कंपनी को ये मेल करना है ना, क्या लिखा हुआ है। और ये मैंने दोस्तों ये मैंने लिया है एक नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बढ़िया मतलब बंदे हैं, काफ़ी अच्छी बात बताते हैं MLM के बारे में और सही चीज़ के बारे में, मुझे हमेशा ये लगता है वो उचित बताते हैं जो भी बताते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि आप ये मेल करो कंपनी को और इसमें जो रिप्लाई है फिर बात करेंगे। तो दोस्तों ये मेल है टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन ऑन द न्यू रूल्स फॉर्मुलेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर MLM और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सर IM आपका नाम जो होगा, IM and have been approached by one of your distributor, कि मतलब मेरा नाम ये है और मैं आपके एक डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा अप्रोच किया गया हूँ, मतलब मेरे आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे आपकी कंपनी के बारे में बताया, विद अ स्कीम ऑफ MLM एंड एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन योर कंपनी फॉर वर्क एज द लाइन डिस्ट्रीब्यूटर। उन्होंने मुझे आपकी कंपनी का एक MLM का कॉन्सेप्ट बताया और ये सलाह दी कि आपकी जो कंपनी है ना, मैं उसके साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करूँ। आई एम इम्प्रेस्ड बाई योर प्रोडक्ट लाइन, मैं आपके प्रोडक्ट से बहुत खुश हूँ एंड इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर योर कंपनी, और मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए इच्छुक हूँ। बट देर आर सर्टेन एडवाइजर्स हु आर सेइंग दैट एज पर द न्यू रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग MLM अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 द स्कीम प्रोपेगेटेड बाई योर डिस्ट्रीब्यूटर टू मी इज नो लॉन्गर वैलिड, है ना। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि लेकिन कुछ एडवाइजर्स हैं जो कह रहे हैं कि नए रूल जो डायरेक्ट सेलिंग और MLM के आए हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार, उसमें इस स्कीम को जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया है वो अब वैलिड नहीं रही है एंड द कंपनीज वर्किंग अंडर द ओल्ड सिस्टम आर लाइबल टू लीगल एक्शन। और जो कंपनीज पुराने सिस्टम के अनुसार यानी कि जो मल्टी लेयर पे पैसा बांट रही है कंपनी उनके अनुसार अगर काम कर रही हैं तो उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद ये है, आई हैव ऑल्सो गोन थ्रू सर्टेन यूट्यूब वीडियोज रिगार्डिंग द सैड एक्ट बट देयर इज नो क्लियर पिक्चर। तो उन्होंने लिखा कि मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोज देखी इस संबंध में कि मतलब ये है क्या, तो उसके लिए मुझे कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं मिली, कोई क्लियर चीज़ मुझे नहीं पता चली। अब मैं आपको दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, दूसरा स्क्रीनशॉट जो है वो इससे आगे का है। उसमें इन्होंने बोला कि आई हैव ऑल्सो गोन थ्रू सर्ट, ठीक है ये मैंने पढ़ दिया है, आई हैव ऑल्सो गोन थ्रू सर्टेन यूट्यूब वीडियोज रिगार्डिंग द एक्ट सैड एक्ट बट देयर इज नो क्लियर पिक्चर एंड कन्फ्यूजन हैज इंक्रीज, और जो मेरा संदेह है वो बढ़ गया है आफ्टर वॉचिंग दोज वीडियोज, मतलब वो वीडियोज देख के मेरा संदेह और बढ़ गया है। सो टू क्लियर द डाउट्स, मतलब ये जो डाउट्स हैं इनको क्लियर करने के लिए मैं आपको मेल लिख रहा हूँ, प्लीज मेरी इन बातों का जवाब दीजिए। पहला जो डाउट है वो ये है, इफ आफ्टर द अमेंडेड रूल्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर 28 दिसंबर 2021 को जो लो आए हैं उनके हिसाब से हमारा जो करंट पे आउट स्ट्रक्चर है वो लीगल है या नहीं, मतलब विदाउट एनी चेंज इन इट, अगर हम अपने करंट पे आउट मॉडल में बिना कुछ चेंज किए काम कर रहे हैं तो क्या वो लीगल है या नहीं। इसमें लिखा हुआ है कॉपीज ऑफ द अमेंडेड रूल्स आर अटैच्ड हेयर विद फॉर योर रेफरेंस, मतलब जो रूल्स हैं उनकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो बंदे ने यहाँ पे अटैच कर दी है, बहुत बढ़िया। नंबर दो पूछा गया है कि इफ़ अ कंपनी सेइंग द प्रेजेंट पे आउट स्ट्रक्चर इज लीगल, अगर एक कंपनी ये कह रही है कि जो उनका प्रेजेंट पे आउट स्ट्रक्चर है यानी कि जो मल्टी लेयर पे पैसा बांटने वाली बात है ना, जो अभी तक MLM का कॉन्सेप्ट चलता है पिरामिड स्कीम वाला, अगर वो लीगल है तो इन्होंने पूछा है कि विल द कंपनी बी लायबल फॉर एनी फ्यूचर लीगल एक्शन ऑन द डायरेक्ट सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, कि अगर भविष्य में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कोई भी लीगल एक्शन होता है तो क्या कंपनी उसकी जिम्मेदारी लेती है। इफ एंड वेन दे फेस लीगल एक्शन ड्यू टू द प्रेजेंट पे आउट स्ट्रक्चर, मतलब अगर कोई जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो इस पे आउट स्ट्रक्चर को प्रमोट करने के दौरान अगर कहीं पे भी उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है तो क्या कंपनी उसकी जिम्मेदारी लेती है। तीसरा पॉइंट है, इन सब पॉइंट्स के आंसर लेने आपको अपनी कंपनी से, इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है, इफ द प्रेजेंट पे आउट स्ट्रक्चर इज नॉट लीगल देन वाई डिड नॉट द कंपनी स्टॉप इट्स ऑपरेशंस, अगर अभी का प्रेजेंट पे आउट जो स्ट्रक्चर है जो पैसा बांटने का तरीका है अगर वो लीगल नहीं है तो आपकी कंपनी ने अभी तक अपने ऑपरेशन को रोका क्यों नहीं है, और आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लोगों को क्यों अप्रोच कर रहे हैं अपनी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए इस खतरनाक पे आउट मॉडल के साथ जिसको कि गवर्नमेंट ने ही इलीगल घोषित कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए जो चौथा पॉइंट है वो इन्होंने लिखा है, इफ इन डाउट
एंड वेटिंग फॉर फर्दर करेक्शंस व्हाई हैव दे नॉट स्टॉप्ड देयर ऑपरेशंस विद इमीडिएट इफेक्ट टिल द क्लेरिफिकेशंस कम। अगर इस बात में कोई संदेह है कि आने वाले टाइम में इस रूल्स में कोई करेक्शन होंगे तो आपकी कंपनी ने अभी तक अपना काम बंद क्यों नहीं किया है? जब तक रूल्स क्लेरिफाई होके नहीं आते, सही होके नहीं आते, आपने अभी तक अपना काम बंद क्यों नहीं किया है? इसके बाद नंबर 5 का पॉइंट है, वी वॉन्ट टू स्टार्ट द वर्क। मैं काम जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे, इन्होंने लिखा, बट फॉर डैट वी विल रिक्वायर आइदर कंपनी टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंटिल फर्दर क्लेरिफिकेशन इज मेड बाय द गवर्नमेंट और द कंपनी टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी लीगल एक्शन फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें इन्होंने क्लियर ये लिखा हुआ है कि अगर मेरे ऊपर कोई भी एक्शन होता है आपके साथ जुड़ने के बाद, तो क्या कंपनी उसकी जिम्मेदारी लेती है या नहीं, बस ये लिखा हुआ है। ये आपको मेल करके अपनी कंपनी से पूछना है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों ने इन मेल पे कोई जवाब ही नहीं दिया है। मैंने भी यहाँ पे नीचे ये लिखा है कि इन बातों का रिप्लाई ले लो मेल पे आप ईस्टोर इंडिया से, बस इसी में आंखें खुल जाएंगी। कंपनीज मेल पे लिख के देने को तैयार नहीं है भाई, कि अगर कल को कोई भी लीगल प्रॉब्लम होती है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ तो हम खड़े हैं, हम बचाएंगे। कंपनी नहीं कह रही है भाई ऐसा कोई सी भी। अभी तक आप देख लो, क्या किसी कंपनी के मालिक ने कहीं पर भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आके ये बोला है कि भाई अगर कल को कोई लीगल एक्शन होता है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ अपने डिस्ट्रीब्यूटर की? बोला है? नहीं बोला ना, बोलेंगे ही नहीं। इसके बाद बंदा बोलता है कि सर ऐसा कोई बात नहीं है, जहाँ देना था वहाँ दे दिया गया। भाई कहाँ देना था? भाई यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर को दो ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दो ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताओ ना डिस्ट्रीब्यूटर्स को, क्यों नहीं बता रहे हो? जो नया डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपके साथ जुड़ेगा वो तो इन्हीं चीज़ों को देख के जुड़ेगा ना। उसके बाद मैंने उनको बोला कहाँ देना था भाई, मेल पर लिखवा के दो ना, उसी की तो वैल्यू होगी। और मेल पर भी डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए आपकी सो कॉल्ड कंपनी से, है ना? कई लोग डिप्लोमेटिक आंसर भी दे देते हैं, आपको उनसे भी बचना है। मैंने लिखा साफ और स्पष्ट शब्दों में जो मांगा गया है ऊपर पिक्स में वो चाहिए उनसे, और अगर कहीं और लिख के दिया आपकी कंपनीज ने तो उसका प्रूफ शेयर करो। तो बंदे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि आपको मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, कंज्यूमर अफेयर के रूल्स के अकॉर्डिंग अपडेशन हो गया है। तो इस बंदे ने यहाँ पे हार मान ली, ठीक है। मैंने इसको बोला कि तुम लोगों से ज्ञान की बातें करवा लो, प्रूफ के नाम पे भागते नजर आते हो। तो ये इस बंदे की ज्ञानबाजी चैट है, जो कि ये फालतू के ज्ञान पेल रहा है ये बंदा। मोटिवेशन की बातें इनसे करवा लो बस, और कुछ मत करवाओ इनसे। तो ये देख लो दोस्तों, ईस्ट और इंडिया भी वही काम कर रही है जो कि बाकी कंपनीज कर रही हैं, कुछ अलग नहीं कर रही है। ये लोग बस कहते हैं कि हम अलग कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे। बेवकूफ ये भी वैसे ही बना रहे हैं जैसे बाकी कंपनियां बना रही है, मेल पे लिख के देने में डर रहे हैं। तो दोस्तों इन जैसे जाली और नकली लोगों से सावधान रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर देगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हर पर्सन के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो इन जैसे जाली लोगों से बचने में खुद की सहायता कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।